बिसमिल्ल रन रही स्टूडेंट्स बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन पार्ट वन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्री एक्स स्क्र प्लस टू एक्स माइनस एट इज़ इक्वल टू जीरो इसको आपने पेपर में रफ साइड पे सॉल्व कर लेना है पहले हम लोग वही इक्वेशन ऊपर लिख लेते हैं फिर ये जो इसका बीच वाला नंबर है इसकी जगह दो नंबर हम लोगों ने चूज़ करने हैं जिनको प्लस करें तो टू एक्स हो और अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस एट मल्टीप्लाई बाई थ्री माइनस ट्वेंटी फ़ोर हो तो इसकी जगह वैसे हम लोग लिख लेते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स क्योंकि अभी अन नॉन है ए और बी को प्लस होएंगे तो टू आएगा ए और बी जब मल्टीप्लाई हो तो माइनस ट्वेंटी फोर आना चाहिए अब सिंस ए बी की जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है यानी माइनस ट्वेंटी फोर जो है तो आंसर चूंकि नेगेटिव में है लिहाजा दोनों में से ए या बी में से एक ना एक नंबर तो नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा यानी ऑपोजिट साइन होंगे और ए प्लस बी चूँकि पॉजिटिव आ रहा है लिहाजा इसका ये मतलब होगा कि जो बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा और छोटा नेगेटिव होगा ये एक आसानी के लिए याद रखना है और ट्वेंटी फोर क्या क्या फैक्टर्स होते हैं वन मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी फोर इज टू ट्वेंटी फोर टू मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व इसी तरह थ्री मल्टीप्लाई बाई एट इसी तरह फोर मल्टीप्लाई बाय सिक्स इज टू ट्वेंटी फोर ये देखने से ही पता लग रहा है यही होगा क्योंकि फोर और सिक्स में टू का डिफरेंस है तो हम लोग इस तरह लिख लेते हैं थ्री एक्स स्क्वेयेर प्लस सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स माइनस एट अब इसमें से पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन लिया जा सकता है थ्री एक्स कॉमन ले लेते हैं थ्री एक्स इंटू एक्स प्लस टू और राइट वाली दो टर्म्स में कॉमन ले लेते हैं माइनस फोर माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू अब क्या कॉमन आ रहा है एक्सप्ल टू कॉमन आ रहा है अंदर रह गया थ्री एक्स माइनस फोर अब यहाँ से हमारा आंसर ईजी हो गया प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो से हम निकाल लेते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस टू और थ्री एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो से निकाल लेते हैं एक्स इज इक्वल टू फोर थ्री सो करेक्ट आंसर इज बी कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर टू क्यूब रूट्स ऑफ माइनस वन ट्वेंटी फाइव आर क्यूब रूट ऑफ़ वन ट्वेंटी फाइव वैसे क्या होता है फाइव क्यों फाइव मल्टीप्लाई फाइव मट्टीप्लाई फाइव इज ईक्ल टू वन ट्वेंटी फाइव होता है अब यहाँ आपने याद रखना है कि अगर पॉजिटिव हो तो सारे के सारे रूट्स उसके पॉजिटिव आते हैं और नेगेटिव हो तो सारे के सारे रूट्स उसके नेगेटिव आ रहे होते हैं और डब्बू क्या है ये ओमेगा है इसके लिए स्टूडेंट्स को चैप्टर नंबर ट्वेल्व के ज़रा गौर फिक्र करने की ज़रूरत है उसके अंदर अब 125 का आप देखें तो इसके जो रूट्स बनेंगे 5, 5 ओमेगा और 5 ओमेगा स्क्वायर। अगर माइनस वन होगा तो साथ में हर किसी के माइनस लग जाएगा माइनस फाइव माइनस फाइव होगा मेगा माइनस फाइव ओ मेगा इस जैसे और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं लादा जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें कि सिक्सटी का क्या होगा फोर फोर ओ मेगा फोर ओ मेगा स्क्वेर माइनस सिक्सटी का क्या होगा माइनस फोर माइनस फोर ओ मेगा माइनस फोर मेगा स्क्वेयर इसी तरह वन के लिए भी और इसी तरह ट्वेंटी के लिए भी ये चूँकि आपके बुक में मौजूद हैं इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिए तो करेक्ट आंसर इज़ माइनस वन ट्वेंटी फाइव के तीनों माइनस में होंगे तो अल्फ़ा ए इज़ द करेक्ट आंसर कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर थ्री इफ एट सेंटीमीटर लॉन्ग टू कॉर्ड्स सब टेंस अ सेंट्रल एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज ये मैं आपको दो तरीकों से सॉल्व करके दिखाता हूँ जो आपको आसान लगे पहले तरीके में आप ये देखें ये आपका एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट गिवन है दो कॉर्ड्स हैं और दोनों की लेंथ कितनी कितनी है एट एट सेंटीमीटर और ये सेंट्रल एंगल कितना एक्सटेंड कर रही हैं 60 डिग्री का ये वाली साइड भी 60 डिग्री का एंगल एक्सटेंड कर रही है दोनों कॉर्ड 60-60 डिग्री के एंगल एक्सटेंड कर रही हैं अब हम लोगों ने मालूम क्या करना है हम लोगों ने मालूम करना है रेडियस ये रेडियस अभी आप इस सर इस ट्राइंगल को देखें तो ये 60 डिग्री है तो बाकी दो का जो सम होगा वो होगा 120 क्योंकि ट्राइंगल का टोटल सम होता है 180 डिग्री अब ये जो सिक्सटी है अब हमने बाकी दो मालूम करने हैं तो कैसे मालूम करें आप इसको देखें ये ये भी रेडियस है और ये साइड भी रेडियस है दोनों इक्वल हैं यानी कि तो इनकी जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे जिस तरह के आइसोसिलस ट्राइंगल में होते हैं तो अगर इसका और इस दोनों साइडों के अपोजिट एंगल्स जो हैं इक्वल होने हैं और सम टोटल उसका वन ट्वेंटी होना है तो ऑबियस है दोनों एंगल कितने कितने के होंगे सिक्सटी डिग्री ईच के इससे हमें क्या पता लगा कि ये एक लेटरल ट्राइंगल है तो इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं तो ये अगर एट सेंटीमीटर है तो ये और ये भी एट सेंटीमीटर की होंगी तो हमारा आंसर आ गया है रेडियस एट सेंटीमीटर इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ ये आपका वही सर्कल है अगर इसमें आप देखें कि यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें नीचे वाली कॉर्ड पे तो क्या होगा ये वाला एंगल कितना रह जाएगा थर्टी डिग्री का और नीचे ये फोर सेंटीमीटर की जगह रह जाएगी और ये वाली साइड जो है इसको हम लोग कहते हैं हाईपोटिनस और हाईपोटिन यहाँ पे रेडियस के बराबर है अब आप देखें आपको समझ आ गई होगी मैं क्या करने वाला हूँ आपने सुना होगा सम पीपल हैव साइन थी टू पर पेंडिकुलरस साइन कितना है साइन थर्टी डिग्री और परपेंडिकुलर क्या है इस केस में इसके ऑपोजिट फोर डिवाइडेड बाई हाईपोटिन्यूस हाईपोटिनियस हमने मालूम करना है यानी रेडियस तो अब इसको रीअरेंज किया तो हाईपोटिनियस इधर चला गया साइन थर्टी नीचे आ गया फोर डिवाइड बाई साइन थर्टी साइन थर्टी की वैल्यू है पॉइंट फाइव तो हाई यानी रेडियस इज इक्वल टू एट सेंटीमीटर कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर फोर ट्वेंटी वन रेशो सेवन डबल रेशो फोर रेशो थ्री ए प्लस वन देन वट इज़ फोर्थ प्रोपोर्शनल ये है फर्स्ट ये सेकेंड ये थर्ड ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है थ्री ए प्लस वन की वैल्यू उसने कहा है कि मालूम करें कि क्या है यानी क्योंकि यान ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है इसको हमने सॉल्व करना हो तो अंदर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाहर वालों को आपस में तो फोर्थ प्रोपोर्शनल थ्री ए प्लस वन हमने फाइंड करना है ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई बाय थ्री ए प्लस वन करेंगे इज इक्वल टू आ जाएगा सेवन मल्टीप्लाई बाय फोर अब इसको रीअरेंज करना है हमें क्या चाहिए थ्री ए प्लस वन तो थ्री ए प्लस वन को लेफ्ट साइड पर रहने देते हैं और राइट साइड पर ले जाते हैं ट्वेंटी वन को जो कि नीचे चला जाएगा अब सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन तो फोर डिवाइड बाई थ्री रह जाएगा थ्री ए प्लस वन इज इक्वल टू फोर थ्री सो करेक्ट आंसर इज सी कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर फाइव विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रजेंट द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर ये देखें बी जो है ये अनशेडेड है इसके बाहर जितना भी एरिया है वो शेडेड है ये मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में भी समझाया था पर एक दफ़ा दोबारा इसको समझ लें ये इसमें कौन सा एरिया जो है शेडेड है ए इसमें कौन सा एरिया शेडेड है बी इसमें कौन सा एरिया शेडेड है आप देखें इसमें ए शेडेड नहीं है ए के अलावा जितना एरिया शेडेड है उसको हम कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट अब इसमें देखें बी के अलावा बाकी सारा का सारा एरिया शेडेड है तो इसको कहते होते हैं बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे भी देखें बी के अलावा सारा एरिया शेडेड है तो दिस इज़ कॉल्ड बी कॉम्प्लीमेंट आंसर इज बी कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर सिक्स इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो वन टू ये एक उसने मेट्रेस दे दी और दूसरा वाई इज इक्वल टू माइनस वन जीरो टू ये दूसरा फंक्शन दे दिया तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा इनका उसने बाइजेक्ट्रिक फंक्शन का मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को समझाया था इस तरह डेफिनेशन दे के तो ये तो आपने रटा लगानी है ताकि आपको याद रहे बायजेक्ट्रिक फंक्शन के अंदर क्या था वन वन होना चाहिए मतलब सारे के सारे नंबर एक एक दफ़ा आना चाहिए और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए यानी किसी एक फ़ंक्शन में कोई एक लेफ्ट आउट नहीं रहना चाहिए इन टू फंक्शन में कोई एक आधा ना भी इस्तेमाल हो रहा हो तो चल जाता होता है अब इसमें आप देखें जीरो वन टू यानी एक्स के तीनों फ़िगर्स यूज़ हो रही हैं ज़ीरो वन टू तीनों फिगर यूज़ हो रही हैं वन टू ज़ीरो तीनों फिगर यूज़ हो रही हैं टू ज़ीरो वन ये तीनों फिगर हर किसी में यूज़ हो रही हैं तो यहाँ तक तो ठीक चल रहा है अब वाई को देखते हैं माइनस वन जीरो टू टू यूज़ हो गया टू यूज़ हो गया लेकिन दोबारा आ गया तो गलत हो गया ये वाला अब देखें टू यूज हो गया माइनस वन माइनस वन दो दफा आ गया तो ये भी गलत हो गया माइनस वन जीरो 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 दो दफ़ा आ गया ये भी गलत हो गया अब जीरो टू माइनस वन इसमें तीनों एक एक दफा यूज हो रहे हैं लिहाजा डी इज़ द करेक्ट आंसर कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर सेवन पार्शल फ्रैक्शन ऑफ वन डिड बाय एक्स स्क्र माइनस वन एक्स प्लस वन आर के वन बाय ये ज़रा समझ लें अच्छे से एक्स स्क्र माइनस वन जो इसके अंदर है ये नीचे इट कैन बी स्प्लिट इंटू टू लीनियर फॉर्म्स ये देखें अभी क्वाड्रेटिक फॉर्म में पावर के है टू तो इसको एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन में हम लोग पहले डिवाइड स्प्लिट कर देंगे नेक्स्ट फॉर एवरी लीनियर डिनोमिनेटर जिस तरह ये वाला आप देख रहे हैं लीनियर डिनोमिनेटर है तो हर लीनियर डिनोमिनेटर के लिए एक कॉन्स्टेंट ऊपर असाइन होना चाहिए तो ये चार लीनियर डिनोमिनेटर है ये देखें क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर है तो जो लीनियर डिनोमिनेटर है उन सब के लिए ऊपर एक एक कॉन्स्टेंट दिया हुआ है तो अभी तक तो ठीक चल रहा है फॉर एवरी क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर अ लीनियर फैक्टर इज असाइंड इन न्यूमिनेटर कि जहाँ पे नीचे कौन सा डिनोमिनेटर है क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो ऊपर किस शक्ल में आ जाएगा लीनियर फॉर्म के अंदर तो बाकी सारे ही लीनियर में हैं तो भाई डिफरेंस किधर है एंड स्प्लिट विथ पॉजिटिव साइंस यानी इसको स्प्लिट करना था तो पॉजिटिव पॉजिटिव साइन बीच में डालने थे तो दिस इज द ओनली वन तो क्वेश्चन सेवन का पार्ट ए इज़ द आंसर कमिंग ओर टू क्वेश्चन नंबर एट रेंज ऑफ द डेटा वन वन फाइव वन ट्वेंटी वन एटी फोर एटी नाइन सेवनटी सेवन एज़ ये बहुत ही आसान है रेंज क्या होती है मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पे हमारे पास था वन ट्वेंटी वन और मिनिमम सेवेंटी सेवन और डिफरेंस इनका आ जाता है फोर्टी फोर सो डी इज़ द करेक्ट आंसर कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर नाइन एन एरेथमेटिक मीन ऑफ थर्टी फाइव थर्टी फाइव थर्टी फाइव थर्टी फाइव थर्टी फाइव पाँच दफ़ा आ रहा है तो इसका मीन क्या होगा तो मीन का तो आपको याद होगा कि तरीका क्या होता है कि सम ऑफ द नंबर सारे नंबर्स को सम करते हैं और जितने टोटल नंबर्स होते हैं उनसे मिसाल के तौर तो पर 35 फाइव प्लस थर्टी फाइव प्लस थर्टी फाइव प्लस थर्टी फाइव प्लस थर्टी फाइव ये टोटल कितनी बार आया फाइव टाइम्स आया तो आंसर आएगा वन सेवेंटी फाइव डिड फाइव इज़ इक्वल टू थर्टी फाइव जब सारा एक ही नंबर बार बार आ रहा हो तो सिर्फ उनको काउंट कर लेना होता है कि कितनी दफ़ा आ रहा है और वही उसका आंसर होता है थर्टी फाइव कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर टेन इफ़ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्र रूट ऑफ थ्री देन थीटा इज इक्वल टू बड़ा आसान है ये आपने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्र रूट ऑफ थ्री तो थीटा इधर आ उधर टेंजेंट इनवर्स हो गया अब इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल से निकाली गई है इसकी वैल्यू होती है सिक्सटी डिग्री कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर इलेवन वन डिवाइड बाई वन प्लस कॉस्ट सीटा प्लस वन डिवाइड बाई वन माइनस कॉस्ट सीटा इसको सॉल्व करना है और देखना है इस आंसर में कौन सा करेक्ट चॉइस है तो देखते हैं सबसे पहले ये आपने डिनोमिनेटर के अंदर एलसीएम ले लिया है इसका और वन प्लस कॉस्ट सीटा इंटू वन माइनस कॉस्ट सीटा अब ऊपर लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा इसकी जगह पे वन माइनस कॉस्ट सीटा क्योंकि यहाँ पे राइट right साइड पे नीचे सिर्फ वन माइनस कॉस्ट सीटा था और ऊपर क्या आ जाएगा इधर वन प्लस कॉस्ट सीटा यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वालों में आप देखें कॉस सीटा और कॉस सीटा तो आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं तो वन प्लस वन टू रह गया और नीचे वन माइनस कॉस सीटा इंटू वन प्लस कॉस सीटा ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला है तो वन स्क्वेयर माइनस कॉस स्क्वेयर सीटा आ गया अब वन स्क्वेयर की जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि वन माइनस कॉ सीटा अब ये किसी का फार्मूला तो नहीं है मिलता जुलता इससे मिलता जुलता हमने एक फार्मूला देखा है उसकी वजह से हम इसका वैल्यू डाल देंगे साइंस स्क्वेयर सीटा क्यों क्योंकि साइंस स्क्वेयर सीटा प्लस कॉ सीटा इज इक्वल टू वन स्टैंडर्ड फार्मूला है अब इसमें आप देखें अगर कॉ स्क्वेयर सीट को हम लोग राइट right पर ले जाए वन माइनस कॉ स्क्र सीटा तो आंसर क्या हो जाए साइंस स्क्वेयर सीटा तो टू डिड बाई साइंस स्क्र सीटा वन डिवाइड बाई साइंस स्क्वेयर सीटा क्या होता है कुसिकेंड स्क्वेयर सीटा तो आंसर विल बी टू इंटू कुंडक्र सीटा तो आंसर इज बी कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इफ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ रेडियस आर इज थीटा देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क इसको डायग्राम से देखें एल इज इक्वल टू आर सीटा आना चाहिए लेकिन कैसे जब ये सर्कल होगा सर्कल की ये आर्क है आर्क लेंथ एल है ये आर है ये थीटा है जब भी कभी किसी सर्कल की आर्क में करनी हो तो उसके रेडियस को उसके इनर एंगल से मल्टीप्लाई कर देते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा सो आंसर इज ए कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन इफ टू कॉर्ड्स ए बी एंड एक्स वाई आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दैन दीज आर कोलिनियर हैं कॉन्ग्रोवेंट हैं नॉन कॉन्ग्रोवेंट हैं या परपेंडिकुलर हैं ये आप देखें डाइग्राम ये एक कॉड है ये दूसरी कॉड है जो ग्रीन से मैंने शो की हुई है और एक आ जा रहा है इक्वी डिस्टेंस है यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला ओ ए और यहाँ से यहाँ तक का फासला ओ बी ये दोनों बराबर हैं जब भी ये सिचुएशन हो तो आपने एक चूरम अपना पढ़ा था चैप्टर नाइन में च्यूरम नंबर फोर विच एज इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रोवेंट दैन दे विल बी एक्वी डिस्टेंस फ्राम द सेंटर यानी अगर ये और ये आपस में कॉन्ग्रुएट हों तो इक्वी डिस्टेंस होंगी सर्कल से इसका अल्टरनेटिव क्या आ सकता है कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट हैं तो ये कॉर्ड्स आपस में क्या होंगी कॉन्ग्रुएंट e uh, होंगी तो आंसर इज बी कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इन द फिगर द सेंट्रल एंगल एक्स ऑफ द सर्कल इज ये पिछले कैस पेपर में भी था यह आप डाइग्राम देखें ये थ्यूरम भी है द एंगल एट द सर्कम फ्रेंड्स इज हाफ द एंगल एट द सेंटर के यहाँ पे जो भी एंगल होता है यहाँ पे इसका हाफ होता है यहाँ पे 120 है तो यहाँ पे 60 यहाँ पे 180 है तो यहाँ पे 90 यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे 35 इसी तरह जब उल्टा देखते हैं तो यहाँ पे जो एंगल है ये उसका डबल होता है देखने में भी, भी लग रहा है कि ये साइज़ में बड़ा है तो यहाँ पर थर्टी है तो यहाँ पे सिक्सटी होगा सिक्सटी इज़ द आंसर सी कमिंग ओवर टू द लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इफ़ मैयमेंट ऑफ एल वन ये वाला एंगल है इज इक्वल टू फिफ्टी डिग्री इन द गिवन फिगर देन मईरमेंट ऑफ एल टू फिर एल टू आप ढूंढ के बताएं ये एल वन हमारे पास फिफ्टी है फिर हम लोगों ने एल टू देखनी है तो आप ये चैप्टर ट्वेल्व का थ्योरम पढ़ चुके हैं कि एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल ये क्या मतलब इसका बेसिकली दे आर स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ये एक आर्क है ये देखें इस आर्क से आप जितने भी एंगल बनाएंगे यानी एक लाइन ये निकाली और ये वापस इधर आ रही है तो ये एंगल जो होगा और इसी तरह इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में कोई और भी आर, आ, एंगल बना लें यहाँ ले आए और यहाँ से वापस ले आए तो ये और एंगल और ये एंगल बिल्कुल बराबर होंगे इसको इस डायग्राम से समझें मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट से अब आपने देखें एक नहीं दो नहीं तीन मुख्तलिफ़ एंगल्स बना लिया तीनों का साइज़ क्या है फ़ोर्टी फाइव डिग्री ईच तो हमारे केस में पहले फिफ्टी डिग्री है एल वन पे तो एल टू पर क्या होगा वो भी फिफ्टी डिग्री होगा